बाजार में तेजी बढ़ी, सेंसेक्स 30,000 के पार निकला, निफ्टी भी 9,340 के करीब पहुंचा। बैंकों के लोन माफी पर मूडीज ने उठाए सवाल, कहा बड़े लोन माफ करने के लिए बैंक तैयार नहीं, बैंकों की कैपिटल की स्थिति मजबूत नहीं, अभी भी एनपीए पर कुछ दिक्कतें बरकरार। आज आएंगे भारतीय एयरटेल के नतीजे, रिलायंस जियो के ऑफर के चलते कंपनी के नतीजों पर दिख सकता है दबाव। जी बिजनेस अनुमान के मुताबिक जियो के मुफ्त ऑफर से भारतीय एयरटेल की आय में 6% की गिरावट संभव। आईटी कंपनियों में छटनी का दौर शुरू, कॉग्निजेंट के बाद अब इंफोसिस और विप्रो में भी हो सकते छटनी। इंफोसिस में 1,000 कर्मचारी तो विप्रो में करीब 10% लोगों की छटनी संभव। और सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में विजय माल्या को दोषी पाया, 10 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश। माल्या को कोर्ट में अपना पक्ष रखने के भी दिए निर्देश, पक्ष सुनने के बाद सजा का फैसला होगा।